हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरआर ब्लॉग्स में। मैं राहुल और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी जो टीवीएस रेडर की चैन है उस पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है। मतलब कि मैं अभी गया था मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ से आते टाइम उस पर बहुत सारे डस्ट लग गए और चैन भी ढीला हो चुका था। तो मेरे भाई ने उस पर क्या किया कि चैन का ल्यूब्रिकेंट उस पर बिना साफ किए उसके चैन को ऐसे ही लगा दिया। तो अब हुआ ये कि वो सूख गया और चिपचिपा हो गया। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है ये, और ये सूख चुका है। इससे क्या होगा ये देखिए, और इससे होगा क्या कि ये जो आपके चैन की लाइफ है वो कम हो जाएगी, आपके जो चैन की लाइफ है वो कम हो जाएगी और जितनी एवरेज दे रही है वो भी ड्रॉप हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसको साफ़ करते हैं, और साफ़ कैसे करेंगे आपको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बाइक को धुलवाने जा रहे हैं, तो धुलवाने के लिए तो हम इसको शॉप पे ले जाएंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि इस पर क्या करेंगे। और इसको अगर जल्दी ठीक नहीं करवाया तो इससे होगा ये कि जो इसके टिथ है ये टूट जाएंगे और चैन भी टूटने का डर है। तो सबसे पहले हम इसको जल्दी से जल्दी हो सके तो ठीक करवाएंगे। ये देखिए कितना काला लग चुका है मेरे हाथों में, कितना चिपचिपा सा हो गया, ये देखिए मेरे हाथ में कैसा चिपचिपा सा हो गया है, ये दिखाई दे ही रहा होगा आपको। और दोस्तों, अब मैं दुकान पे आ चुका हूँ अपनी बाइक को वॉश करवाने के लिए, तो अभी दिखाता हूँ। ये बाइक धुल चुकी है और ये आप देख सकते हैं सिर्फ चैन ही नहीं, चैन के साथ इधर भी वो चिपचिपा सा पदार्थ लगा हुआ है, मतलब मेरे भाई ने जो ल्यूब डाला है वो इधर भी लगा हुआ है। तो अभी हम इसको साफ़ करेंगे, तो साफ़ करने के लिए अभी हम यूज़ करेंगे ये स्प्रे का। ये है WD-40 जो कि पीडी लाइट का है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और हमारा जो मेन यूज़ है वो है रिमूव ओल्ड स्टिकर्स, मतलब यहाँ पे देखें तो ये है फ्री स्टिकी मैकेनिज्म। सो ये इसका हमारा यूज़ होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे चैन कितना साफ़ हो सकता है और आपको बताते हैं उसके बाद। विद द हेल्प ऑफ दिस ओल्ड टूथ ब्रशेस और ये आई एम गोइंग टू क्लीन माई चैन। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथों का हाल क्या हुआ, बट ये चैन पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब वैसे चिपचिपे से पदार्थ नहीं है, और ये चैन भी देख सकते हैं आप बहुत हद तक 90% तक ये क्लीन हो चुका है। क्लीनिंग का काम अब ख़त्म हो चुका है, अब हम इस पे डालेंगे ये ल्यूब, चैन ल्यूब है, ये वैक्स पोल का चैन ल्यूब है। अभी हम इसको डालते हैं ताकि इससे चैन ल्यूब्रिकेट रहे और माइलेज भी अच्छा रहे और चैन की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और सेफ भी रहे। तो चलो अभी हम डालते हैं ये। तो अब सारा कुछ हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, तो इसको अब फेंक देते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हिट द सब्सक्राइब बटन, और बेल बटन भी दबाना ना भूले, लाइक तो ज़रूर करें। तो और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। सो दिस इज़ हाउ मैंने अपनी बाइक की चैन टूटने से बचाई। तो आप भी ऐसे कंडीशन पर अपनी बाइक को ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि बहुत कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ सकती है आपको, चैन टूट सकता है, चैन ख़राब हो सकता है, माइलेज कम हो सकती है और बाइक की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, और एक दिक्कत होने से बाइक में और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई करें, अगर आपके चैन में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप भी ज़रूर ये करें।